वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेयरिंग चैनल देवा शेयर्स में। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बट यस आई एम बैक एंड बैक विथ ऑल माय एनर्जी। तो चेहरे का सूरते हाल आपको दिख रहा है, ये दाढ़ी काफी उग आई है, देर इज गुड बियर्ड ग्रोथ और ये दाढ़ी ऑलमोस्ट 5 दिन पुरानी है। तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि 5 दिनों तक मैंने शेव नहीं की। इससे पहले कि आज का शेविंग सेशन या मैं कहूँ डेमो शुरू करें, सबसे पहले मैं बता दूं आज किस प्रोडक्ट को मैं फोकस कर रहा हूँ। पैकिंग देख के आप में से ज़्यादातर लोगों को पता लग गया होगा जो वेट शेविंग से काफ़ी पहले से जुड़े हैं। ये क्लासिक एक लेजेंडरी पैकिंग है एंड यू कैन सी द ब्रांड नेम टबैक। टबैक ओरिजिनल एंड सिंस 1959। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल पैकिंग है और ये एक जर्मन प्रोडक्ट है। 100 ml के पैक में ये आती है और इसको जो बनाने वाली कंपनी है इसका नाम है मॉरर एंड विट्स ब्यूटी। और क्षमा प्रार्थी हूं अगर ये प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है, क्योंकि ये जर्मन है और जर्मनी मेरे को जर्मन लैंग्वेज बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो मॉरर एंड विट्स ब्यूटी एंड इट इज मेड इन जर्मनी। कोई भी शेविंग चैनल अधूरा है जब तक वो इस तरह के लीजेंडरी प्रोडक्ट्स का रिव्यू ना दे। जैसे टबैक जो बहुत पॉपुलर है शेविंग एंथुजियास्ट या मैं कहूँ शेविंग अफिशियनडो उसके बीच में, तो ये उस लेवल की क्रीम है ये। तो कई सारे ब्रांड हैं कि जब तक आप उनको बताओगे नहीं, ये वर्ल्ड वाइड आप इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है। तो काफ़ी मेरी तमन्ना थी काफ़ी समय से कि मैं इसको करेक्ट शोकेस करूं, मगर हाल ही में मेरे को मिला ये और मैंने इसको परचेस किया। एक पुरानी कंपनी जर्मन कंपनी टबैक, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें खास खास है ग्लिसरीन और पोटेशियम कोकोएट परफ्यूम, फिर एक्वा पोटेशियम स्टीरेट एंड लॉरेथ। तो ये SLS फ्री तो नहीं है, बट सोडियम SLS सोडियम लॉरेथ सल्फेट होता है, मगर इसमें उन्होंने पोटेशियम लॉरेथ कुछ करके यूज़ किया है। खैर एनीवे जाने दीजिए, बट इसका परफॉर्मेंस कैसा है आज हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से मैं इसको अनपैक करता हूँ। दिस इज द ट्यूब, 100 ml ट्यूब, और इसका जो कलर है वो येलोइश है, टर्मरिक की तरह येलोइश है। अमेजिंग स्मेल। अब नॉर्मली मैंने जितना इसके बारे में सुना था टबैक समथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड टबैको, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि बेस नोट्स इसके कहीं ना कहीं टबैको जैसे होंगे, तो बिल्कुल भी टबैको जैसे तो नहीं है। और नॉर्मली हमारे यहाँ इंडियन माइंडसेट वो टबैको का बिल्कुल जो फ्रेग्रेंस होता है वो शायद हमको वो एक टिपिकल थोड़ा सा, मैं तो बड़ा ही टबैको और उस तरह के प्रोडक्ट्स को बड़ा ही रिपल्सिव लेता हूँ उस तरह के स्मेल्स हो, तो मैं इसको एक तरह से देखा जाए तो इग्नोर भी करता था। मगर जब मैंने इसको परचेज किया और जिस तरह के मैंने रिव्यूज़ और भी देखे हैं यूट्यूब में, तो मैं इसकी बड़ी तारीफ सुनता था। तो यस, ये वाकई में काबिल तारीफ फ्रेग्रेंस है। इसमें बेस नोट जो है वो टबैको का है और इसमें हल्की सी मस्की वनीला ओकमॉस के भी नोट्स इसमें नजर आते हैं, सिट्रस भी है, सिट्रस एम्बर इस तरह के नोट्स हैं, मगर बेस नोट्स हल्का सा टबैको का है, मगर वो आपको बिल्कुल भी टबैको जैसी फीलिंग नहीं आएगी। तो जो लोग थोड़ा सा रिपल्सिव होते हैं सिगरेट और इस तरह के चीजों से, तो वो ऐसा ना सोचे कि उसमें ऐसी स्मेल आती है, मगर जो भी है वो जो भी इस परफ्यूम है जो भी स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया है यार, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया स्मेल है इसकी। सो लेट्स सी हाउ इट क्रिएट्स अ लादर टुडे। एट द सेम टाइम पिछले काफी समय से ये पर्ल फ्लेक्सी एडजस्टेबल रेजर काफी चर्चा का विषय रहा शेविंग फोरम्स और कम्युनिटी में, और उसके बारे में मैं चर्चा ना करूं, मगर मैंने पिछले 15-20 दिनों में हर तरह से एक्सपेरिमेंट किए
और इसने हर तरह से मेरे को सेटिस्फाई किया। तो जो कुछ लोग जो है थोड़े से कफा थे हमारे इंडियन वेजिटेरियन ग्रुप में भी और इंटरनेशनल में भी, मैंने कुछ लोगों के देखे, नाम नहीं लूँगा मैं, तो मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इस रेजर में कोई भी कमी है। हाँ, देर इज़ ऑलवेज यू नो देर इज़ ऑलवेज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट्स। अ न्यू प्रोडक्ट बाय द कंपनी, दे वॉन्ट टू ट्राई, दे वॉन्ट टू गिव द बेस्ट टू द कस्टमर्स, और इसीलिए उन्होंने थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा है काफ़ी, मगर वारंटी वगैरह सब इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली दी है। और तो मगर भाई मेरे को तो इससे कोई शिकायत नहीं है, और आज मैं साबित भी करूँगा कि ये जो मेरी दाढ़ी को कैसे क्लीन करता है। और आज मैंने इसको जो सेटिंग में रखा है, 4 पे रखा है, तो लेट्स सी। और इसमें जो ब्लेड है उसका फर्स्ट इस्तेमाल होगा ग्लैड्स का। तो ग्लैड्स जो है बनाया इंडियन कंपनी नहीं है, ज़िरकॉन इंटरनेशनल ने, बट ये जो है उसमें शायद वो मार्केट जर्मनी के लिए किया गया है, ऐसा मेरे को बताया गया था। तो चलिए, काफी अच्छा ब्रश है, थोड़ा सा थोड़ी सी लिक्विडिश क्रीमिश टेक्सचर है इसका, नो डाउट अबाउट इट। सो लेट मी क्रिएट द लादर, बट बिफोर दैट एज यूजुअल टक इन द कॉलर्स। टबैक की जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत पॉपुलर मानी जाती है, और एक लेजेंडरी स्मेल मानी जाती है ये। और जो टबैक के प्रोडक्ट्स हैं इनका, शेविंग सोप, शेविंग स्टिक, आफ्टर शेव लोशन, यूडी परफ्यूम, ये सब ये लोग मार्केट करते हैं, एंड इट्स ओल्ड कंपनी। देखिए, दीज आर इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड दे डिमांड सम प्रीमियम, तो थोड़े थोड़े क्या, थोड़े से ज़्यादा ही प्राइसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य जो है, जो मेरा पर्पस है, वो आपको जस्ट इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो तो आपको रिव्यू बताना है, मगर आंख बंद करके बिना सोचे विचारे कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको प्रोक्योर करो। अनलेस एंड टिल प्रोडक्ट में इतना दम होगा कि लगे कि इट्स वर्थ वाइल, तो मैं हमेशा कहता हूं यूज योर डिस्क्रिशन। तो अच्छा लादा बनाया इसने, गुड स्लिक लादा। आई विल नॉट से इट्स वॉल्यूमिनस, बट it's slick.
सो आई थिंक दैट्स इनफ। सो चार की सेटिंग पे है आज ये, आप देख सकते हो। ग्लैड्स ब्लेड फर्स्ट यूज फर्स्ट पास विद द ग्रेन, लेट्स सी। Lifting the side bone. कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है and this razor is removing the beard with alarm at ease. शानदार, और काफी स्लिक क्रीम है। रेजर ग्लाइड में मजा आ गया एंड द क्रीम इज रियली स्लिक। लेट्स कम टू द सेकंड पास। और जो ये मेरा शेविंग डेन है, जो बाथरूम है, ये अभी बहुत ही अच्छे से महक रहा है। क्लास प्रोडक्ट, इतनी जल्दी मैं बोलता नहीं हूं वैसे। अमेजिंग स्मेल, इसकी जैसी स्मेल मैंने आज तक किसी और क्रीम या किसी और प्रोडक्ट में नहीं, बिल्कुल अलग यूनिक है। सो नाउ लेट मी चेंज द सेटिंग।
सेकंड पास के लिए मैंने जो सेटिंग है वो 2 पे सेट कर दी है। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रीन क्योंकि इस रेजर का वेट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा भी है, हेफ्टी रेजर है, तो ग्लाइड करने में और स्टबल को रिमूव करने में बहुत बहुत ही आरामदायक है, एफर्टलेस। अल्ट्रा स्मूथ BVS क्वालिटी शेव एंड इट्स रियली दिस क्रीम इज फंटास्टिक, अमेजिंग फ्रेग्रेंस एंड अमेजिंग स्लिकनेस। तो लादर इतना वॉल्यूमिनस नहीं कहूंगा मैं, एलम ब्लॉक बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। सो वुडी मस्की विद बेस नोट्स जो है वो टबैको के हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हल्का सा आपको कहीं से भी ओवरपावर नहीं करेंगे, हल्का सा वनीला का भी आपको इसमें फ्रेग्रेंस आ सकती है। तो कई चीज़ों का मिक्स मुझे को लगा ये, और बहुत ही यूनिक इसकी परफ्यूम है, और ऐसी कभी परफ्यूम मेरे को आज तक, क्योंकि क्या होता है सिट्रस नोट्स भी हल्के, मगर जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हो जहाँ पे सिट्रस नोट्स और ओवर पावर करते हैं आपको लेमन लाइम वाले, बट ये जो है बहुत चीज़ों का मिक्स है। इसमें निरोली की भी हल्की सी खुशबू आ रही है, बर्गमॉन्ट उसकी भी हल्की सी खुशबू आ रही है, तो एक यूनिक चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप इसको प्रोक्योर करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है बिकॉज इट्स अ स्लाइटली कॉस्टलियर प्रोडक्ट, बट येस इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली हैव in your shave den। Wow, fantastic। So आज मैंने कोई after shave use नहीं किया है, I am only using alum, I have used only alum, nothing more। अब 10-15 मिनट में वेट करता हूँ तब रियल पता लगेगा कि ये क्रीम किस तरह की है, क्योंकि नॉर्मली बहुत जो चीप क्रीम्स होती हैं, जो सस्ती क्रीम्स होती हैं, जब हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय तो पता नहीं लगता, झाग भाग लादर सब अच्छा बनता है, मगर पोस्ट शेव एक्सपीरियंस वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपको करेक्ट पार्च फील करती है आपकी स्किन, मगर ये मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई मॉइस्चराइजर
या मॉइस्चराइजिंग जो एलिमेंट्स इसमें डालते हैं उनकी कोई कमी है, बट 10-15 मिनट के बाद पता लगेगा रियल में. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अप्लाइंग एनी आफ्टर शेव लोशन और बाम टुडे, बट यस आई एम थॉरली सेटिस्फाइड विद दिस फैंटास्टिक क्रीम टबैक. तो आउट ऑफ 5 आई विल डेफिनेटली रेट इट, गिव इट 4.5. इट्स वर्थ प्रोक्योरिंग प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट दैट. फैंटास्टिक प्रोडक्ट. इस रेजर के बारे में मैं क्या कहूँ, हर शेप में इसने मेरे को बहुत सेटिस्फाई किया है. और कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि अलाइनमेंट इश्यूज हैं, थोड़ा सा हिलता है नीचे से बेस से, तो हो सकता है उनके जो रेजर में वो वाकई में कमी हो, मगर मेरे को ये कमी इसमें नहीं देखने को मिली. बहुत ही माइनर सा थोड़ा सा जो है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो हल्का सा एक जैसे कहते हैं कि वो ब्लेड जो है वो एक सेम से ना, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है मेरे को. मैं तो अभी आपको शायद दिखा भी ना पाऊँ, मगर जब बहुत बहुत बारीकी से देखोगे, वो भी सेटिंग नंबर, इफ यू कम टू द सेटिंग 5, तब आपको हल्का सा वो एक थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, वो भी बहुत ध्यान से देखोगे. अदरवाइज मैंने 6 पे 5 पे 4 पे 3 पे 1 पे सब पे बना के देखा और हर बार इसने अफलातून काम किया है. तो मैं पर्ल और मिस्टर दीपेश सवाया जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया. और जो कुछ कमियां लोगों ने दिखाई हैं तो उसके ऊपर आप वर्कआउट जरूर करेंगे, और आपने इतनी बड़ी ज़बरदस्त गारंटी दे रखी है तो उसके ऊपर आपका काम ज़रूर होगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है. बट अदरवाइज दिस इज फंटास्टिक रेजर, नो डाउट अबाउट दैट. सो दोस्तों, आज का यही मेरा रिव्यू था. तो अब रेगुलर थोड़ा सा मिलेंगे, और ये मेरा आपसे वादा है डेफिनेटली. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद किसी नए शेविंग टेक्निक या नए शेविंग प्रोडक्ट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आज ही डिक्लेयर भी किया है कि जल्दी ही कोरोना वैक्सीन आ जाएगी. तो लेट्स हैव पेशेंस, एंड टिल देन वी शुड ऑल कीप आवर हेल्थ इन चेक. Please take care of your parents, your family, and yourself, of course. So, मिलते हैं ब्रेक के बाद. तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, टेक केयर.